उत्तर प्रदेश की एक सीट घोसी जिस पर उपचुनाव हुए और उसके बाद उसके परिणाम लोगों के सामने आए। ये परिणाम पूरे देश में सुर्खियों के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक उपचुनाव का ऐसा परिणाम जिस पर हर एक राजनीतिक दल और हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा हो, आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में आपको इस वीडियो पे बताते हैं। दरअसल ये उपचुनाव कहीं ना कहीं माना जा रहा है जो एक बड़ी लड़ाई, जो लोकसभा चुनाव में इस देश की राजनीति में एनडीए बनाम इंडिया, इंडिया गठबंधन, विपक्षी दलों की एकता वाला गुट, उसकी होगी। लोग कह रहे हैं कि घोसी का चुनाव उसका लिटमस टेस्ट था। जयदीप जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक लाइन का जो पहला सवाल, अखिलेश यादव घोसी का उपचुनाव जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, और वो जो ट्वीट करते हैं जयदीप जी, दूसरी लाइन लिखी होती है कि ये हमारे उम्मीदवार यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बल्कि इंडिया की जीत है। क्या विपक्षी एकता, जो विपक्षी दल हैं, वो अब घोसी को इंडिया की जीत के तौर पर, इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर दिखाएंगे? विपक्षी दल इसको उत्कर्ष दिखाएं या ना दिखाएं गठबंधन की जीत के तौर पर, अखिलेश यादव जरूर दिखाएंगे। अखिलेश यादव इसलिए दिखाएंगे कि उनके कई सारे मंतव्य हैं, राजनीति स्वार्थ का खेल है। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में इसका बड़ा स्वार्थ ये दिखाई देता है कि अगर ये साबित हो गया कि घोसी की जो जीत है वो केवल समाजवादी पार्टी की नहीं, INDIA गठबंधन की जीत है, तो जब उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय होने के बावजूद पीछे और हाशिए पर रहना चाहिए, जो कि वो वैसे भी रहते हैं। जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें समझौता कर नहीं पाए थे राहुल गांधी। वो राष्ट्रीय दल होने के बावजूद भी बड़े बड़े राज्यों में वो पिछलग्गू की भूमिका में ही दिखाई देते हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन घोसी की इस जीत का झंडा उठाकर पूरे गांव में दौड़ लगाते हुए अगर अखिलेश यादव दिखाई देते तो उसके बहुत सारी वजह हैं। बड़ी वजह तो यही है कि उन्हीं की पार्टी से दल बदल करके एक व्यक्ति चले गए। मतलब घोसी की पूरी जो राजनीतिक ड्रामा है वो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो गलियां हैं उन गलियों को नंगाई के साथ उघाड़कर प्रस्तुत कर देने का ये उदाहरण है। अगर हमने देखा कि हमारी राजनीति में गलियां हैं कि लोग पैसों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी विचारधारा से भटकाव करते हुए दल बदल करते हैं, और ये उस मतदाता के साथ धोखा है जिसने उस उम्मीदवार को उस दल से जुड़ाव होने की वजह से वोट दिया था, तो देश में दल बदल कानून आ गया। उस दल बदल कानून के चलते आप ऐसे नहीं कि आज इस दल में तो उठ के कल आयाराम गयाराम की राजनीति, जिसका जुमला बहुत फेमस रहा, उस आयाराम गयाराम को की राजनीति को बदलने के लिए जब दल बदल कानून आया तो एक नया इश्तीफा चालू हो गया कि आप इस्तीफा ही दे दीजिए। तो दारा सिंह चौहान जी ने जनवरी में इसलिए पाला बदल लिया कि समाजवादी पार्टी उनको जीतती हुई दिखाई दे रही थी, वहां से वो वापस पाला बदल के इसलिए आ गए कि जीत तो भाजपा गई है योगी जी की और योगी जी की सरकार में मंत्री बनना है, सीट खाली कर दी, चुनाव का पैसा खर्चा करवा दिया, देश की जनता की जेब से निकले हुए टैक्स के पैसे से वापस घोसी का उपचुनाव हुआ। तो मैं तो एक पत्रकार के रूप में उसको उस देखता हूं कि राजनीतिक स्वार्थ की खातिर घोसी की पूरी जनता के मताधिकार को छला गया, लेकिन घोसी की जनता ने इसी तरह के बदलाव, और आप ये देखिए कि ये अब एक ट्रेंड बन चुका है। हिमाचल प्रदेश में बागियों को वोट नहीं मिले जिन्होंने अपनी पार्टी बदली, कर्नाटक में जिन्होंने अपनी पार्टी बदली उन सबको बहुत तगड़ा झटका लगा। तो जो व्यक्ति अपनी विचार, आज आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में जाने वाले कई नेता वापस पाला बदलकर कांग्रेस में चले गए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अवसरवाद की जो राजनीति वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली, और दारा सिंह चौहान जैसे और सैनी जैसे से कई दल बदलू हैं जो लगातार अवसरवाद की राजनीति करते हैं और फिर उनको मुक्त। तो ये कुल मिलाकर घोसी का मेरे हिसाब से आकलन है कि ये दल बदल की राजनीति पर एक तगड़ी चोट है कि जनता कहती कि भाई तुम कल को उसके सीट पर टिकट पर लड़ लोगे, आज इसके टिकट पर लड़ लोगे और सोचोगे कि हम तुम्हें हर बार वोट दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। पहली चीज, समाजवादी पार्टी ये स्थापित करने में कामयाब हो गई कि दरअसल वो सीट समाजवादी पार्टी की है, चेहरे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बड़ी बात यह है, चूंकि INDIA गठबंधन जो कह पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने मजमा जमाया है पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक, उसमें सारी बात यहाँ अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से इसको क्रमवार आगे बढ़ाया है, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और वो जब कहते हैं कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पेशानी पर बल दिखाई देता है, माथे पर सलवटें दिखाई देती, तो वो गलत नहीं कहते हैं। भाजपा में उसको लेकर चिंता की लकीरें दिखती और इसीलिए NDA के कुनबे को बढ़ाने की सारी कवायद भी हुई है उत्कर्ष। लेकिन उसमें सारी राजनीति कहाँ जाकर टिकेगी? 450 सीटें जिस पर वो कहते हैं अकेला उम्मीदवार लड़ाएंगे उसके बंटवारे पर, ऐसा घोसी में इसलिए हुआ कि क्या वहां पर कांग्रेस के पास कोई मजबूत उम्मीदवार था? उन्होंने उतारा ही नहीं। क्या नहीं, हाँ, था क्या उतारा नहीं और था क्या, मैं इसीलिए मैं जानबूझ के सवाल, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया में अंतर है ना जी। तो इसीलिए उनके पास उम्मीदवार था क्या, उसके जीतने की संभावनाएं थी क्या, परंपरागत रूप से पिछले सभी चुनावों में कांग्रेस का कोई ऐसा जबरदस्त वाला वहां पर, तो ये तो वही बात है ना, विकल्पों की बात थी।
यही INDIA गठबंधन क्या बंगाल में और केरल में इसी तरीके से संयुक्त होकर लड़ा? नहीं। इस INDIA गठबंधन में जो लोग भी शामिल हैं, शरद पवार शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, कांग्रेस शामिल है, बसपा तो किनारा कर ही चुकी, हाथ झाड़ चुकी, उन्होंने तो ये भी कह दिया या तो वोट मत दो या नोटा दबा दो। ऐसा गठबंधन दल का कौन सा नेता था जिसका उम्मीदवार वहाँ मजबूती से लड़ सकता था और उसने त्याग की पराकाष्ठा दिखाते हुए उसका बलिदान दिया था और INDIA का झंडा बुलंद हो जाए? त्याग की बारी अभी आई कहीं है उत्कर्ष जी? बिल्कुल, त्याग की बारी जब आएगी और वैसा त्याग अगर कर दिया जाएगा तो सफलता मिल सकती है। त्याग करना पड़ता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, खुश होने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने अपने किले को, अपने गढ़ को बचाया है, अपनी सीट को बचाया है और अखिलेश यादव को ये कहने का भरपूर मौका दिया है कि देखिए हमने कर दिखाया, हमने भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि आमतौर पर उपचुनाव का ये ट्रेंड होता नहीं उत्कर्ष, उपचुनाव में आमतौर पर सत्ताधारी दल जीतता है, जैसे बंगाल में भी हम देख रहे हैं सीट खोनी पड़ी, तृणमूल कांग्रेस जीती, और इसलिए कि सत्ताधारी दल क्या व्यक्ति अगर जीतेगा तो स्थानीय स्तर पर काम अच्छे से होंगे, विकास में बाधा नहीं आएगी, उस सीट के साथ उस वहां की जनता के साथ किसी तरह का मतभेद नहीं किया जाएगा, जो कि दुर्भाग्य से होता ही है। आमतौर पर उपचुनाव में सत्ता पक्ष के साथ लहर चलती है और स्थानीय उम्मीदवार जो होता है वो सत्ता पक्ष के साथ जाता है और जीत जाता है। ऐसा अगर नहीं हुआ है, योगी जी की इतनी मजबूत सरकार के साथ वहां की जनता ने मतदान नहीं किया है, तो समाजवादी पार्टी की जीत है और उसने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने में और यह संदेश देने में कामयाबी दिखाई है कि भाई हम जीते हैं, चेहरा कोई भी हो। इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं जो आपने कहा, एक तो घोसी में बात सच है कि पिछले 5 सालों में जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 4 बार उपचुनाव हो चुके, चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर, क्योंकि ये तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन भले ही जो राजनीति का कहरा सीखते हैं उनके लिए एक चीज़ कही जाती है कि नाखून कटाकर शहीद ना हो जाइए, अगर कांग्रेस ने वैसा कोई दांव चला कि उम्मीदवार नहीं था लेकिन कहा कि हम सहयोग कर रहे हैं, अगर हम देखें कि बाकी कोई पार्टी जिनका वहाँ पर स्टेक नहीं है, जैसे कि जयंत चौधरी की पार्टी, उनका वहाँ पर कोई राजनीतिक ज़मीन नहीं है, लेकिन वो भी इसे इंडिया की जीत बता रहे हैं। अखिलेश यादव के ट्विटर, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, वहाँ पर लिखने से पहले कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस और जयंत चौधरी के जवाब आ चुके थे, वो उसको इंडिया की जीत बता रहे थे। क्या जो बात आपने कही, मैं उसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ कि आपको नहीं लगता कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जीती, झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी को जीत मिली और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, तो वो जो बात आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों का वो दबाव इंडिया गुट में कि अब आप क्षेत्रीय दलों को समर्थन दीजिए क्योंकि एक लिटमस टेस्ट हम पास करके आए हैं, इंडिया के सामने वो एक दूसरी चुनौती तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और जैसा कि ANI पर हम साथ में, आपने मुझे बाइट सुनवाई जो ममता बनर्जी ने अपनी पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जीत पर दी, उन्होंने 2 हिस्सों में अपने बयान को बांटा, अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक और अपनी पत्रकारिता वाले चश्मे से उसको सुने, शुरू में उन्होंने कहा कि तृणमूल की जीत है और पूरे जो पूर्वी बंगाल है उसमें तो दार्जिलिंग से लेके यहाँ तक हम लोग वैसे भी मजबूत हैं, यहाँ मजबूत ही रहे हैं, ये तो एक हो गया था कि BJP अब सबको समझ में आ रहा है और हमारा अपना वोट बैंक, बड़ी अपनी तारीफ करती रही। बाद में उन्होंने कहा कि और अन्य उपचुनावों में भी जहाँ जहाँ पर BJP हारी है, उन्होंने कोई सीट का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा जहां जहां पर BJP हारी है, भारतीय जनता पार्टी हारी है, वहां पर हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको बधाई और ये हमारी विपक्ष की गठबंधन की जीत है। तो उन्होंने पहले तो बंगाल को सुरक्षित कर लिया, तो जब गठबंधन होगा और बंगाल में सीटें छोड़ने की बारी आएगी, कुछ भी सीटें हों, थोड़ी बहुत भी, क्या ममता बनर्जी छोड़ेंगी? बड़ा सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो त्याग करने के लिए दल तैयार हो जाएंगे, उनको 2 बड़े त्याग करने होंगे। पहले स्तर का त्याग होगा, सीटों का त्याग, अपनी जमीन का त्याग, अपने इतने वर्षों की मेहनत का त्याग, अपने कार्यकर्ताओं को गुस्से को पी जाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस सारे त्याग के बाद अगला त्याग होगा प्रधानमंत्री पद के मोह का त्याग। अगर ये 2 बड़ी बाधाएं ये गठबंधन पार कर लेता है तो इनकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं उत्कर्ष, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगर मान लो आप 40-42-45% वोट वाले व्यक्ति से लड़ रहे हो, तो अगर आप सारे पूरे मिलकर उसको 65% कर सकते हो तब ना, और उस 65% को अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांट दोगे कैसे चले? बिल्कुल। अब मैं वापस अखिलेश यादव के बयान पर लौटता हूँ। मुझे लगता है इस चर्चा का जो मेरी तरफ से आखिरी सवाल हो सकता है वो ये कि अखिलेश यादव जो खुद लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बल्कि इंडिया की जीत है, वो जिस इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, 7 उपचुनाव के परिणाम सामने आए हमारे, लेकिन इकलौती सीट घोसी है जहां सच में दिखा किसी भी परिस्थिति के कारण, लेकिन जहां दिखा कि हाँ इंडिया लड़ रहा है और वो NDA से लड़ रहा है, क्योंकि वहां सिर्फ भाजपा का उम्मीदवार नहीं था, वहां ओम प्रकाश राजभर प्रचार कर रहे थे, वहां संजय निषाद प्रचार कर रहे थे, तो वहां केवल भाजपा प्रचार नहीं कर रही थी,
वहां मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया सा दिखा था और अखिलेश यादव इंडिया की परिपाटी को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो मैसेज है, क्या आपको लगता है कि उस मैसेज को वो राष्ट्रीय पटल पर ले जाने में कामयाब होंगे कि इंडिया यूनाइट होकर, और इंडिया मतलब वो कोट अनकोट इंडिया, क्या वो एक साथ होकर चुनाव लड़ सकता है, आगे जा सकता है? और वो मैसेज जो देने की बात है कि हम सिर्फ उन तस्वीरों में, उन तीन बैठकों का जिनका आपने जिक्र किया, उनमें एक नहीं है, हम जमीन पर भी एक हैं, चुनावी जमीन पर भी एक हैं। देखिए, अखिलेश यादव को इस वक्त तो ऐसा करना बिल्कुल सुहाता है, उनकी राजनीति के पक्ष में है और उनको ऐसा नहीं करने का कोई कारण नहीं, बल्कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरी ताकत लगाकर वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह था उससे तो ऐसा लग ही रहा था। और ये दारा सिंह चौहान गए ही इसलिए थे ना, तो उनको लग रहा था कि सपा हारी। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, वो क्रम चला था, वो सिलसिला चला था, जब उनको लगने लगा था कि भी जीतने वाली पार्टी के साथ हो जाओ। तो जब उसका झटका अखिलेश यादव को लगा कि नहीं भाई, मैं गलत सोच रहा था, और तो उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको भाजपा की शक्ति का एहसास हो गया। लोकसभा चुनाव में तो इससे भी बड़ी चुनौती उनके सामने है, उनको पता है कि भाई सारी शक्ति लगाने के बाद भी उनको कुछ मिलना नहीं है, और यादव परिवार की सीटें बचा लें वो यही बहुत बड़ी बात है। वहीं तक तो सिमट गए ना कि यादवों की इज्जत, यादवों का नाम, जैसे गांधी परिवार का नाम रायबरेली अमेठी में और अमेठी में तो हो ही गया, पलीता लग चुका है। तो अब अखिलेश यादव के पास स्मार्ट राजनीति, चतुर राजनीति, हर तरह की राजनीति करने के लिए सिर्फ यही है कि अगर मान लो वो इस परिस्थिति में क्यों हैं, क्योंकि सब अलग अलग लड़ते हैं तो उनके वोट बैंक में सेंध लगती है। अगर वाकई सचमुच ये मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने सर्वाधिक उम्मीदवार लड़ाएगी और बाकी सारे लोग अपने उम्मीदवार पीछे करके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो न केवल समाजवादी पार्टी को पुनर्जीवन मिलेगा, बल्कि इस वक्त अगर जीतने का कोई एकमात्र रास्ता है अखिलेश यादव के पास तो वो यही, तो और क्या करेंगे, कोई भी राजनेता क्या करेगा। और वहां पर वो उदाहरण भी सेट हो गया जहां कांग्रेस खुद कह रही है कि हम समर्थन, भाई आप यही सोचिए ना, कई सारे पहलवान अखाड़े में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो चार पांच पहलवान कहते हैं मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा, अपन सब मिलके बड़े को हराएंगे, और ऐसा सचमुच होगा तो इसमें मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है, सब ऐसा ही करेंगे। तो जो हम मूल सवाल पूछ रहे थे, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस वक्त उपचुनाव के परिणामों को देखें तो घोसी का जो परिणाम है उसको राजनेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडिया की जीत है, लेकिन अगर सिर्फ घोसी से आप नज़र हटाएं और देश में छह और जो उपचुनाव हुए उनके परिणामों को देखेंगे तो वहां पर वो सवाल वापस लौटता दिखाई देता है कि क्या सच में इंडिया राजनीतिक जमीन पर एक साथ है, क्योंकि वहां तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए भी दिखाई दे, अपनी जीत को किस तरीके से भी पेश कर लिया जाए, लेकिन मूल सवाल वही है कि ये जो त्याग है क्या ये सच में त्याग हो पाएगा, क्योंकि अभी तो अवसरों के कारण जो परिस्थिति बनी वो सबने देखी है। क्या वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर, क्या वो पश्चिम बंगाल की उस सीटों पर, क्या वो बिहार की 40 सीटों पर, और देश भर की जो जयदीप जी ने भी जिक्र किया 400-450 सीटों पर वो सामंजस्य बैठा पाएंगे, क्या वहां त्याग करने को नेता तैयार होंगे? अगर ऐसा होता है तो शायद राजनीतिक भविष्य कुछ और होगा, लेकिन आप यानी कि जनता वही जनार्दन है और वही तय करेगी कि कौन एक साथ कौन अकेला, लेकिन आपको कौन पसंद। और इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो घोसी का परिणाम है क्या वो सच में इंडिया का भविष्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे खूब लाइक करिए, शेयर करिए, असहमति हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, उन विचारों का सबसे ज्यादा स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र की असली खूबसूरती यही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।